नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। क्या किसी की मौत का कारण सेल्फी हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। 33 वर्षीय हिमानी मिश्रा अपने परिवार के साथ भोपाल कोलार से भोपाल और विदिशा के बीच हलाली डैम घूमने पहुंची। अपने पति के साथ हिमानी ने कई सेल्फियां ली। जब हिमानी अपनी आखिरी सेल्फी ले रही थी तब उनका पैर फिसल गया और अंधी रफ्तार से बह रहे झरने में 10 फीट ऊपर से जाकर वह बह गईं। पति के आंखों के सामने उसका परिवार उजड़ गया और पति बेबस होकर देखता रहा। जब इसकी खबर विदिशा के करारिया थाने को लगी तो विदिशा से हलाली डैम पर फोर्स पहुंचकर रेस्क्यू चलाया गया। 16 घंटे रेस्क्यू चलने के बाद महिला का शव नदी में मिला। पुलिस जवानों ने महिला के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है झरने में शव 2 किलोमीटर बहकर चला गया था। इंडिया खबर लाइव की आप सभी दर्शकों से अपील है कि अपने जीवन के पलों को संजो कर रखें, लेकिन सावधानी और सुरक्षा के साथ। ये हलाली डैम में छरछरा झरने में एक युवती कल सेल्फी ले रही थी। इस दौरान उसका पैर फिसलने से वो झरने में गिर गई। हमारी टीम कल से ही लगी थी, काफ़ी मेहनत किया था और पूरा प्रयास हमारी टीम द्वारा किया गया था, लेकिन कल हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। आज सुबह जैसे हमारी टीम फिर से रेस्क्यू कार में जुट गई थी और कड़ी मेहनत के बाद वहाँ पर 2 बजे करीब उसी युवती की बॉडी को ढूंढने में हमारी टीम ने सफलता प्राप्त की। लगभग कितने घंटे लगे सर उसकी बॉडी को खोजने के लिए? करीबन 16 घंटे करीब हो गई थी बॉडी ढूंढने में लगा। काफ़ी क्रिटिकल रेस्क्यू था, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। फॉल में काफ़ी तेज बहाव और चट्टानों में काई के कारण फिसलन थी। रेस्क्यू टीम को काफ़ी परेशानी आई थी, लेकिन अंततः टीम ने। सर कहाँ के थे वो महिला? यहाँ वो उसका शिनाख्त हुई है, वो हिमानी मिश्रा डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा, ये कोलार रोड भोपाल के निवासी थे। युवती की उम्र तकरीबन 23 वर्ष।